तो हाय फ्रेंड्स, मैं गुड्डू आप सबका स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं, डी फ्रीजर का रिले है, एनटीसी 4241 रिले है। और फ्रेंड्स, इस ये जो आपको दिख रहा है इस हाथ में, ये खराब रिले है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। अब फ्रेंड्स दिखाते हैं कि खराब क्यों है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका कॉयल का देखे कंडीशन, ये कॉयल जो है जल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए कॉयल इसका, ये देखिए ये जो कॉयल है आपका, ये बिल्कुल ही न्यू है। और फ्रेंड्स ये देखिए कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पे दिखा दे, ये देखिए कंपोनेंट लगा हुआ है। और यहाँ देखिए ये जो कंपोनेंट है यहाँ से उड़ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ भी एक पिन नहीं है, दो पिन इधर है और एक पिन यहाँ है। अब इसमें टोटल पिन आपको दिखा दूँ तो फ्रेंड्स, तीन पिन इधर है और दो पिन यहाँ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें देखिए, ये जो हमारा ये देख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है, इसका एक वायर जो है हमारा, ये देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए गया है, मतलब इसी के अटैच होकर गया है, और ये चीज़ ख़राब हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको ये ब्लैक कॉयल दिख रहा है, तो फ्रेंड्स इसको हम टेस्टिंग करेंगे कि यह पूरी तरह से जल गया है कि बचा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मल्टीमीटर हम लोग ले लिए हैं, इसको कंटिन्यूटी बर्जर मोड पे रखेंगे। अब फ्रेंड इसका जो है आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस पिन पे रखेंगे, क्योंकि इसी पिन से ये कॉयल का एक वायर जो है अटैच है। तो एक को हम यहाँ रखेंगे और एक को यहाँ मेन पे रखेंगे। तो फ्रेंड जैसे देख रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूटी दिखा रहा है कॉयल का, यानी कि कॉयल अब तक सही है, ठीक है। सिर्फ इसका जो है ये हीट होने से, जो इसका कलर है वो उतर चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका ये जो कंपोनेंट है वो भी ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हम इसको पहले खोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको खोलेंगे और खोल के देखेंगे कि आखिर इसके अंदर दिक्कत क्या है। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग इसको खोल दिए, तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये दो पिन है, इसको हम हटाते हैं और इसके अंदर एक लीवर है, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें देखिए कितना रस्ट आ गया है, यानी कि ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा, तभी जाके ये जो है कंपोनेंट जो है उड़ा हुआ है और ये हीट हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम सही करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें थोड़ा इसको हम लोग साफ करते हैं अच्छे से, और उसके बाद इसको, ये जो आपको दिख रहा है जो ऊपर कार्बन लगा हुआ प्लेट, कार्बन प्लेट, और इस पे देखिए इस पे भी रस्ट आ चुका है, और इस पे भी रस्ट आ चुका है, और इस पे सब पे रस्ट आ चुका है। तो इसको अच्छे से पहले साफ करेंगे, और फिर साफ करने के बाद इसको हम वापस से फिट करेंगे और देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं, और आपको एक तरीका भी बताऊँगा इसको आपको कैसे चला लेना है। तो फिर वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स अच्छे से इसका रस्ट जो है उतार देंगे, बाकी यह है कि बाद में आप नया भी लगा सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहो, और ये भी 100% वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे, और ये देखिए इसको हम यहाँ पे इसको फिट करेंगे, इसको यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो ऊपर का कैप है लगाएंगे और इसको कसेंगे फ्रेंड्स। स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है ताकि ये जो पिन है लूज ना रहे, अगर लूज रहेगा तो वर्क अच्छे से नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमने इसको फिट कर लिया है। अब फ्रेंड्स ये जो आपको कंपोनेंट खराब है, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये एक यहाँ पे वायर है, जो वायर से डायरेक्ट हमारा स्टार्टिंग का कैपेसिटर लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए हमारे पास एक
देखिए कैपेसिटर है, आपको दिखा दूं, ये जो है ये हमारा 61 UF का है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा 8 UF का है, और ये हमारा दोनों कैपेसिटर का कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, कॉमन जो है हमारा, कॉमन को फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये देखिए कॉमन को हम क्या करेंगे, ब्लैक कॉमन है तो देखिए कॉमन को हम ये देखिए यहां पे हम इसके साथ अटैच कर दिए। अब ये जो दो वायर बचा, तो फ्रेंड्स एक जो है ब्लू जो है हमारा स्टार्टिंग है, तो चलिए इसको हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं, और ये हमारा रनिंग का है, तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं कंप्रेसर हमने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे देख रहे हैं कि जो कंप्रेसर है हमारा ऑन हो चुका है, और ये जो है आप ये देख लीजिए, ये वही रिले है खराब वाला, ये देखिए। अभी इसको मैं थोड़ा देर चला के भी दिखाता हूँ कि ये अच्छे से ही वर्क करेगा, ये दिक्कत नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार इसको आप इसका रस्ट हटाकर और इस जो रिले है 4241 इसको आप रिपेयर करके चला सकते हैं, और फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फ्रेंड्स आपको एक बारी इसको निकाल कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए देखें, तो फिर इसी पे हमने चलाया है, और कई कंडीशन में होता है फ्रेंड्स नहीं चल पाता है, तो उसका जो अंदर का रस्टिंग है, रस्टिंग को दूर कीजिए, उसके बाद चलाइए, तो फ्रेंड्स 100% ये जो है वर्क करता है, क्योंकि इमरजेंसी में मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।